हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। ये भी भाई इतिहासी बहुत ही पुराना है। ये हमारे हवेली है सर। यहाँ पे ब्राइट लेना नहीं। तो भाई अब हम सोनू हर के घर से चल दिए हैं रीनू हर के घर। तो वहाँ पे दिखाएंगे गाइज आपको जल महल के व्यूज। तो जल महल तो जाते जाते देख लेंगे ना, उनको क्यों परेशान करें, चाय के पहले ही कहते और क्या, जाते जाते बना लेंगे भी लोग थोड़ा सा। बाहर बाहर से बनाओगे, अंदर से? अंदर से भी जाके, अंदर वहाँ भी चौकीदार बैठे रहते होंगे। पैसे लगाए वहाँ? ना अभी नहीं, अभी तो नाम एंट्री करना पड़ता है। रईस पार्क, रईस पार्क। अच्छा, इनके घर कौन में का ये सोनू हर? यहाँ पड़े सागे हम बहन की है, ये चाचा था वो। ये सारे इनके प्लॉट बता दिए कि ये आ गया है जल महल। तो ये देखिए जल महल की बाउंड्री है। अभी हम आपको जल महल दिखाएंगे। ये रहा जल महल, ये देखिए गाइस दिख रहा है। पहले उसको पढ़ियो, वो जो बोर्ड है ना, हां हां, उसको पढ़ियो पहले। तो लिखियो अभी यहाँ पे जंगल सही है इसमें, है ना? ना बीच में अच्छा कर रखा है पार्क रूट बना के। लेफ्ट लेडी अच्छा रिपेयर मन लगा है इसके भी कर दे सकते हैं ना। गेट है इधर ही लगा दिया साइड में, आगे आगे लगा ले तू। आगे ये लगा देते सुनो, छाया में आगे घनी छाया है। चल वो घनी छाया लगा ले। तो भाई ये रीनू हर के घर से 2 मिनट का ही रास्ता है ना। 2 मिनट में आप आ जाएंगे। रीनू हर भी है, हमने उनके पास कर दिया फोन। तब तक हम देखते हैं जल महल। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं जल महल यहाँ का, नारनौल का। ये भी एक ऐतिहासिक जगह है। और एक बार हमें ऊँट मिला था ना यहाँ पे, ऊँट पे बैठे थे हम। यहाँ पे और भी अच्छे वन चल रहे हैं। जिला महेंद्रगढ़ जी गाइस, हम एंट्री कर चुके हैं जल महल के अंदर। और ये बहुत ही पुराने पेड़ हैं बड़के। लिखो गाइस, ये जल महल आनंद अवस्था अमन प्रमोद के लिए बनाया गया था। महल में जो भी एक जल स्थल के न जन चुकी है वो उसके काम वैसे इतनी बार बनानी हुई करें पड़ गया। ये रोक के नीचे तक बनाया रहे बस वीडियो में पढ़ लेंगे रोक के और क्यों ना पढ़ लेना। भाई ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है बड़का, बड़का बरगद का। पूरे पे फैल रहा, छाया कितनी है ना, 2 पेड़ की कितनी छाया है। देखो चिड़ियों के बर्तन, देखो और पक्षियों के लिए पानी। हाँ 52 वर्षों तक ये सही काम कर रखा है चिड़ियों के लिए, है ना। हुआ था इसका जलसा का कार्यालय 1592 में होया था इसका। 1592 सरोवर ये 1593 1593 तक हो गया था। मैंने कह रहे हैं देखो चिड़ियों के लिए बर्तन टांक रखा पानी का। छोटे छोटे पक्षी बैठे हैं। ये यहाँ पानी वानी भरने के लिए वो लगा रखे होंगे ना। पत्थर के है ना, आ जाएगी इतने जगह जगह। ओए आ जाओ इधर देखो, ये देखिए गाइस कितने सुंदर पक्षी बैठे हैं यहाँ पर। भैया बोलते हैं इनको। ये देखिए गाइस, हाँ हमारे तो यहाँ पे ना शीशे में मुंह देखती है ये। हाँ शीशे में मुंह देखती है। ये देखिए गाइस कितने ही सारे पक्षी हैं यहाँ पे छोटे छोटे। हाँ,
घोड़ों के अस्तबल में से निकल के आई है कि तो ये देखिए आ गई हैं दोनों मौसी बेटी ना दिख रही हैं दिख रही है ना दिख रही पिटे की दिख रही है दिख रही है तो भाई आ गई है देव की मौसी रीनू वो साथ में है किट्टी उनकी बेटी तो देखिए सावधान होशियार यहाँ की महारानी पधार रही हैं ये आ गए हैं भाई जल महल की रानी और राजकुमारी राजकुमारी पद्मावती नमस्ते नमस्ते बेटे नमस्ते नमस्ते आइए भाई मोटी खा कर मोटी हो गई कमी नहीं मकाती हुई कहेंगे कि मोटी हो रही है चलो ठीक है किट्टी एकदम तो दांव गले ठीक है तो भाई हमारी बहन रीनू आ गई है तो हम देख लेते हैं यहाँ का जल महल तो बीरबल का छत्ता तो आपको दिखा दिया था और अब हम आ गए हैं जल महल में चलो जल महल का नहीं देखेंगे अंदर अच्छा चलो चलो आ जाओ आ जाओ और भाई किट्टी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी तो छुट्टी पड़ रही होंगे ना ये देखिए हमारे पति देव ने लगाया हुआ है सिर में फूल चमेली ये देखिए गाइस ए मैं तो नू कह रही थी तेरी जीजा था ओढ़ना पेटीकोट ले चली मैं वहाँ सारा मेकअप करके और एक कलर ले चली वहाँ बनाऊंगी वीडियो पर लाए नानू कह रहा लाए ना तू अपनी ड्रेस में करना गर्मी में कहाँ जी करा पैरेंट का देख, 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 ये देखिए भाई दोनों फ्रेंड मिल चुकी हैं आपस में अब नहीं बोल रहे किसी से भी अब तो अपने आप में मस्त रहे पेड़ बहुत अच्छे अच्छे हैं इसकी बना के लाती मैं क्या लिखा है ये देखिए गाइस मैन एंट्री है आपकी जल महल के अंदर जाने की चलो तो ये देखिए जल महल के राजा खड़े हैं यहाँ पर राजा नहर सिंह मिस्टर राजेंद्र सिंह देखो इधर का बना ले भाई साहब तो ये देखिए गाइस जब यहाँ पे पानी भर देते हैं तो ऊपर तक पानी आ जाता है यहाँ तक ये देखिए एक बार हम आए थे तो यहाँ तक पानी भरा था इधर भी और उधर भी और उधर पैड़ियाँ लगाई हुई हैं नहाने के लिए कौन नहाओगा मरे जा हाँ बहुत वो हो लिए यहाँ पे हाथ से मछली भी पाए करे मम्मी में पानी हो पानी में गरीब जब पूरे पानी सूख होगा मछली मर के ओहो गाइस हवा तो चल रही है पर गरम गरम हवा चल रही है और हमें बड़ा ही मजा आ रहा है आज मीनू के जहाँ रास्ते में खालड़ा चालू पर चढ़ाई चढ़ाई करनी पड़ती होगी ना ज्यादा ऊंची हाँ गर्मी में तो ना चढ़ा जाए गर्मी तो बहुत है ए, बादल बादल गरज रहा है ना जल्दी के मचा रहे हैं ठीक पार्कपुर बन रहा है पार्कपुर बन रहा है क्या हाँ वो मतलब ऐसे फोटो फाटो धर बाड़े बाड़े जैसा तो भाई हम आ गए हैं जल महल में देखिए कितना पुराना है और डिजाइन कितने अच्छे बने हुए हैं इसमें भी देखो ओए ओए जोड़ा कितना सुंदर रुको कितनी सुंदर प्यारी है चिड़िया ये कैसी बैठी है इसकी आंखें देख कितनी सुंदर है आंखें अलग ही है कने से बनाओ बस और बड़ा ना रिदम कैसे सुनसान लगती है सब डिजाइन दिखा दे
तो ये देखिए, हाँ ये तो कील है, कील है। ऐसे सुनो छोटी छोटी, हाँ ठीक है, पर्दे वर्दे लगाने के लिए ही कील है ना। देख डिजाइन कितना अच्छा पुराने जमाने का ना। तो ये देखिए गाइस, आज से हजारों साल पुराना डिजाइन है ये, और आज भी ऐसा कैसे बना हुआ है छत के ऊपर। तो बताऊं ये इसमें नहीं था कि हवा लगने के लिए छोड़ रखे, जल महल भी बोलते हैं, हवा महल। देख कितनी अच्छी हवा है। ओ हो गाइस, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर रानियाँ नृत्य करा करती थी। एक बार तुम डांस कर रहे थे ना, नाच के दिखाओ प्लीज। हेलो तो ये देखिए गाइस डिजाइन जल महल का। चलो भाई, और भाई जब यहाँ पानी भर देते थे इसमें तो बहुत ही मतलब तालाब सा बन जाता था ये, चारों तरफ पानी भरा रहता था इसके, और लोग बाग नहाते भी थे। और ये देखिए, ये है जीना ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ये लॉक लगा दिया गया है क्योंकि ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल, ये देखिए। और भाई गाइस बारिश आ सकती है, बादल गड़गड़ करने लग रहे हैं, बादल गरज रहे हैं ना। हाँ जी, हमारा तो डांस देख लिया, अब आप भी दिखाइए अपना डांस। तो भाई ये देखिए जल महल के अंदर का सीन। चलो भाई, पंद्रह सौ 1563 में, काफ़ी साल हो गए। चलो अच्छा, जल महल के लिए ना घिसाई का, वो क्या कहते हैं छाते की घिसाई करी है ना, तो सफेद पत्थर निकला उसमें, पत्थर की तरह है। देखिए यूट्यूबर सुमन के, महाराजा रानी का पसीना नहीं, 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 इधर का सीन ले, इधर आओ, इधर आओ महाराजा रानी का पसीना। अजी आपको पसीना आ गया। देखिए राजेंद्र सिंह जी राजा महारानी सुमन का पसीना पूछते हुए, कुछ ठंडा ठंडा हो जाए पूरा। देखो वहां खड़ा हो और हमारे, मेरा तेरे पापा का एक लोग नहीं, ये ले ये देखिए गाइस। तो गाइस हमने जल महल भी देख लिया और आपको भी दिखा दिया है, और देखो कितने कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर, पक्षी तरह तरह के हैं यहाँ पे। ऊपर की छतरी से टूट रही है इसकी, हाँ ये पानी नहीं है, यूँ कहते हैं उसमें ना चोर आए थे वो। अच्छा है ना, बिजली बड़ी थी ना, जब वो चोर आए थे चोरी करने, जब वो चोरों को ऐसी पटकी मारी थी छतरी का, पटकी मार, किसने मारी थी नकाब में, मुसलमानों की खबर है वो, खबर है। अच्छा फिर वो कहते हैं जबकि छतरी टूटी हुई ये सारी की सारी। अच्छा जी, ये भी इतिहास है, फिर इतने ऊपर जाके पड़े थे वो। और क्या, अच्छा जी। और गाइस बारिश का बहुत ही तगड़ा मौसम हो चुका है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। रोको,
हवा चल रही है ना, तो चलो ठंडा हो यहाँ पे कालड़े वाला बाबा भी चलो गए हनुमान बाबा तो मीनू हर के वहाँ कालड़ा वाला दिखा दियो मीनू हर के खाए थे अभी पट्टा गाइज देखिए बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है हमें घूमने में। तो बताइए गाइज कमेंट करके हमारा बीरबल का छाता और जल महल आपको कैसा लगा। बीरबल का छाता है हाँ जी मैं आई। क्या नाम था उसका राजा का पद्मावती के आदमी का ले पकड़े बड़ा नाम एक्शन ये भी ले लोग में क्या हंसी मजाक की बात हाँ बोल आइए महाराज आपका महल आपका नहीं महारानी नहीं मुझे तो हिमालय में जाना है नहीं आइए चलिए गुड उठाओगी नहीं महारानी चलो भाई चलते हैं। तो भाई हम चलते हैं बना बना था यार। वो दिखा तो अब बना लो अब के लेट हो गए तो देखिए भाई ये है यहाँ की जेल कारागार है ना कारागार है यहाँ की। तो भाई हम अलविदा लेते हैं जल महल से और चलते हैं अपने बहन रीनू के घर पर। पेड़ बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर है ना। तो भाई अब हम गेट से बाहर हो गए हैं जल महल के और ये देखिए ये सारा जल महल का ही पोर्शन है बाहर का। ये देखो भाई चलो 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 सीन तो छाता मारे हुए थे ना। तो भाई ये है घोड़े को अस्तबल राजा महाराजा यहाँ पे अपने घोड़े खड़ा करा करते थे और इन्होंने लगा रखी अब लकड़ी यहाँ और भाई अब गांव वासियों ने यहाँ पे लकड़ी और अपना ईंधन चूल्हे में जलाने का रख रखा है सरकारी जमीन है वैसे यहाँ की है ना। मोर घनी चली थी इसमें ना तो ठंडे कम हो रहे हैं। पानी ले लो भाई किटी चेस किटी अब दिखा पता नहीं सुने। तो भाई ये है देव की मौसी रीनू का घर। इसमें ठंड है इस कमरे में सही बन रहे छोटे छोटे कमरे बन रहे पर सही है ना। जब पत्थर देख अब सही लग रहा है पहले तो थोड़ी जगह लगेगा ठीक है ना सही है मतलब नॉर्मल घर जो होते हैं ना। हाँ सही है और अब चल दिए हैं हम खेतानाथ बाबा के चलेंगे। चलो आ जाओ चलो भाई ये देखिए है ये श्याम बाबा का मंदिर है नाल नूल का। अब ना जगह जगह बन गई श्याम बाबा के मंदिर का टू श्याम मारे वहाँ है क्या राजस्थान में। हाँ वहाँ तो शीश का दान वो और ये रियल में है। हाँ कौन सा मारे वाला रियल में है तुम्हारा चुलकाना धाम और ये खाटू श्याम। ये दिल्ली में बना दे तीन चार जगह तो पैसा कमाने खान का धंधा बना रखा आजकल इन्हीं में सब चीजों में कमाई कर रखी है लोगों ने तो जगह जगह ही बना रखे मंदिर। तो ये देखिए हम आ गए हैं नारनौल में खालड़ा वाले बाबा पर। तो यहाँ पे
ये देखिए मेला भरता है यहाँ बच्चों के लिए, बड़े भी बैठ जाओ की दिक्कत। ये देखिए एक बार बना रखे तैयार में बैठे। और भाई ये रहे हमारे हनुमान बाबा जी खालड़ा वाले, जय हनुमान बजरंग बली जय। तो ये देखिए पर्वत पर बैठे हैं हनुमान बाबा, और ये पर्वत हैं कहाँ है ओ शत्रुमुर्ग, ओ बेटे चलो आओ आ जाओ शत्रुमुर्ग दिखाएंगे। बंद करी आओ दे इस तेनू कह दी के लोक लगा दियो। तो गाइज यहाँ क्या लावे आम तो ना खावे, आम खा लेंगी ये। अच्छा तो देखिए गाइज हम आपको दिखाते हैं शत्रुमुर्ग हंस तालाब, तालाब भी है अंदर। अच्छा खरगोश भी है। अच्छा तो ये देखिए गाइज नारनोल का जू, ध्यान दे नारनोल का जू हंस तालाब है, हैं क्या चले जाऊंगा के ना आगे चल देखे। तो भाई यहाँ पर देखिए बत्तख कितनी सुंदर व्हाइट कलर के, देखो और अंदर जाने का ये नहीं पास। तो भाई ये देखिए शत्रु, हाँ खा जाएंगे शत्रुमुर्ग। हाँ हमारे गांव में भी थी घूमती रहे, दो थे वो जोड़ा था सोना सोना मोना देखा ये मोना सबसे ताकतवर पक्षी है ना। हाँ ये देखिए गाइस कितने प्यारे पक्षी हैं, इनका नाम है शत्रुमुर्ग। और ये देखिए व्हाइट कलर की डक, ये देखो कैसे बोल रही है। वो देखो गाइस कितने सारे मोना, मोना कौन सी। अच्छा गान पकड़ के खींचे, देखो पैर देखो इसके कैसे हैं, मछली बहुत खाती है ये, जू बना रखा है एक तरह का ना छोटा सा जू है। और ये देखिए गाइस कबूतर भी दाना खा रहे, देखो कैसे नहा रही है, देखिए यूं करके नहा रही है। यहाँ कहाँ है हनुमान। अच्छा तो ये देखिए भाई हमारे हनुमान बाबा जी, और ये खालड़ा वाले बाबा बोलते हैं इनको, यहाँ की बहुत मानता है। तो कभी हम फिर दोबारा आएंगे तो ऊपर भी जाएंगे बाबा पे। ये देखिए भाई शत्रुमुर्ग देखिए एक डडियल में बोतल नहीं खुल। तो ये हमारे पति के भाई हैं मिस्टर राम रतन सिंह, देखिए तो बोतल नहीं खुली इस पे, बहुत होते पीले 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 मोर खोल ले बेटे खोल ले, बोतल का ढक्कन खोल रहा था यो। जब ये आज तड़की से सवेरे से यहीं है बेचारा, ये देख गंजा हो रहा है, सवेरे से इससे बोतल नहीं खुल ली आज देख, ये पहले जन्म में देसी पीता हुआ देख बाल उड़ रहे हैं इसके, बाल नहीं देख बोतल नहीं खुली इस पे, कोशिश तो कर रहा है इसने, रोटी रोटी नहीं खा ली पानी, मतलब बत्तख सही लग रही है अपने नहा रही है मजे से हैं, इसने पानी नहीं पी लिया रोटी नहीं खा ली सुबह से, और इसे बोतल नहीं खुली दोबारा, इस बोतल पर बोतल खोलने लग रहा है, बोतल इससे खुलने ली बेचारे से। भैया मेरे तो पकड़ा दे, मैं हेल्प करू तेरी, ऐसा भी काले नाग ये भागते बहुत तेज हैं, ये देख ले मैं खोलवा ले मेरे को पकड़ा दे, चलो भाई चलो भाई चलो भाई देख लिए कैसे
जो लिखा ना बोर्ड पे क्या लिखा, हंस तालाब लिखा, हंस तालाब है यो। ये है गाइस हंस तालाब, यहाँ पे हंस है, हंस है ही है ना, या बत्तख है, बत्तख है, हंस तो वैसे लिखा, हंस तो बड़ी बड़ी नाड़, बड़ी लंबी लंबी नाड़ होती है हंसों की, तो बड़े होते हैं लंबी लंबी। और चलो खरगोश वगैरह भी है इसके अंदर, पर शाम को निकल जाए। देखे थे पहले कभी? हाँ, जी मेरी एक वो बना ही व्लॉगिंग के साथ, थक गया ले लो बना। हाँ मेरे फोन आ खाई हो मत कभी खा ले ओना ले भाई। मम्मी देखो कौन सा वो? कुछ ले रहा हूँ ब्रेड, ब्रेड खा ले नूतन खा ले। देखो ये नूतन तो बड़ी मोटी हो रही है। दीदी जी बुरा मत मानना, इतना हंसी मजाक है। राम रतन मिल गया था जब हमने नूतन भी ढूंढनी पड़ी। ओए ठंडा पानी भर लो। कदे अगर कहेगी ना तो कदे हमने नहीं कहा, तेरे देवर ही कर रहा था। कहते राम रतन उसने ढूंढा, तो डड़िया लंबा ढूंढ और नूतन हमने ढूंढ लिए। छोरे के नहीं छोरी छारी बता दो कोई रिश्ते वाले। बेटा तेरी मौसी नु कह रही रिश्ता करवा दे यहाँ है, कह रहा हूँ पक्की है। हाँ चलो भाई बैठिए। तो गाइज हम चलते हैं मीनू हर के घर की तरफ।